नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़वैन के सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत आज की प्रमुख खबरें। 26 जनवरी के मुख्य परेड की सलामी लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज। पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई नेताजी की जयंती। ट्रक ने स्कूटी सवार को मारी ठोकर, दो की घटनास्थल पर हुई मौत, जबकि ट्रक में लगी आग से धू-धू कर जला ट्रक। अब खबरें विस्तार से। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान। करेंगे ध्वजारोहण, लेंगे परेड की सलामी। विगत शाम कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी को लेकर बैठक बुलाई गई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे एवं गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री जी ध्वजारोहण करके परेड की सलामी लेंगे। एसएफ मैदान में आरंभ होने वाले इस परेड को लेकर संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक तैयारी की जा रही है। समारोह का फाइनल रिहर्सल 24 जनवरी को प्रातः 9 बजे से एसएफ मैदान में। इसमें मुख्य समारोह की प्रमुख गतिविधियों का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि समारोह में शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं तथा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की विषय वस्तु पर विभिन्न विभाग झांकी तैयार कर रहे हैं। झांकी में योजना तथा कार्यक्रम का स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। झांकी में जो प्रदर्शित किया जा रहा है उसे सही रूप से दर्शकों तक पहुंचना आवश्यक है। झांकी के थीम के संबंध में कम से कम इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी 25 जनवरी को शाम 5 बजे रीवा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री जी सबसे पहले पहाड़िया में कचरा शोधन संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। इसी समारोह में अन्य निर्माण कार्यों का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही इसी समारोह में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के हितग्राहियों को उनके नवीन घरों की चाबी भी सौंपी जाएगी। सीएम के आने की खबर के बाद रीवा की खस्ताहाल सड़कों पर डामर गिट्टी का लेप चढ़ा, सड़कों को चमकाया जा रहा है। वहीं परेड ग्राउंड में भी टाइल्स लगाने का कार्य शुरू हुआ और वर्षों बाद आज कलेक्ट्रेट भवन के बाहर भी रंग रोगन शुरू हो गया। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा कलेक्टर के निर्देश के बाद झांकियां सजाने लगी। वहीं परेड के लिए सभी विभाग जोरों से तैयारी में लगे हुए, जबकि परेड का फाइनल रिहर्सल 24 जनवरी को प्रातः 9 बजे किया जाएगा। प्रस्तुत है तैयारी की झलकी सहित एडीएम इला तिवारी व सीएसपी प्रतिभा शर्मा से जानकारी के अंश। देखिए, अभी गणतंत्र दिवस परेड होना है ऐसा ऊपर से आदेश आया है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो गणतंत्र दिवस परेड होती है उसकी तैयारियां हम लोगों ने स्टार्ट कर दी हैं और इसमें हम लोग कमांडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। मैम, 2 दिवसीय सीएम सर का दौरा है, क्या कार्यक्रम होने हैं, किस तरह की तैयारी की गई है? माननीय मुख्यमंत्री जी का रीवा जिले में 25 और 26 तारीख को आगमन होना प्रस्तावित है। 25 तारीख को पहाड़िया प्लांट का इनॉग्रेशन होगा और उसके बाद कलेक्ट्रेट में बैठक होगी और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस की परेड की सलामी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की जाएगी। किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? सारी तैयारियाँ लगभग पूर्ण हैं। सभी मजिस्ट्रेट्स को लगा दिया गया है, अधिकारियों को कर्तव्यरत कर दिया गया है और सभी लोग अपने अपने कार्य में जुटे हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक होने के साथ साथ ही भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाने वालों में से एक, सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया, जिसके बाद आज कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पराक्रम दिवस मनाया गया। इस दौरान एडीएम इला तिवारी द्वारा नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर केपी पांडे, संयुक्त कलेक्टर माला त्रिपाठी, एसडीएम राहुल नायक सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी नेता थे और वो किसी भी कीमत पर अंग्रेजों से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि भारत को आज़ाद कराया जाए। शुरुआत में नेताजी महात्मा गांधी जी के साथ देश को आज़ाद कराने की मुहिम में जुड़े, लेकिन बाद में उन्होंने अलग होकर वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध किया। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया था, जहां नेताजी भूख हड़ताल पर बैठ गए और ऐसे में अंग्रेजों ने उन्हें जेल से तो रिहा कर दिया, लेकिन उनको उन्हें उन्हीं के घर पर नज़रबंद कर दिया। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस जर्मनी भाग गए और वहां जाकर युद्ध मोर्चा देखा और साथ ही युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग भी ली। यहीं नेताजी ने सेना का गठन भी किया और जब वो जापान में थे तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस ने उन्हें आमंत्रित किया। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में एक समारोह में राज बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी, जिसके बाद इस फौज के सर्वोच्च सेनापति का पदभार ग्रहण किया और उसकी हैसियत से उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। साथ ही उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। डिटेल में बताया,
सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 23 जनवरी को 1897 में हुआ था और उनके जो पिता थे वो भी बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, वो वकील थे और जब उन्होंने देखा कि भारतवर्ष में अंग्रेजों के द्वारा क्रूरता की जा रही है तो उन्हें जो उपाधि दी गई थी उन्होंने वो उपाधि लौटा दी और उसी समय से सुभाष चंद्र बोस जी के मन में आया कि मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है। वो बहुत ना केवल पढ़ने में बहुत अच्छे थे बल्कि वो एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, महानतम राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने ये सोचा कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करके और एक उच्चाधिकारी बनूंगा और अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए काम करूंगा। इस एक कार्य से ही लाखों लाख युवा उनके साथ हो गए थे और उनके द्वारा जब कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा गया था तो इतनी उनकी महत्ता थी, इतनी पॉपुलरिटी थी कि उन्होंने बहुत महात्मा गांधी को उन्होंने फाइट दी थी और वो विजयी थे। विश्वविद्यालय बाईपास में स्कूटी को ट्रक ने मारी ठोकर, स्कूटी सवार की हुई मौत, ट्रक में लगी आग। आज दोपहर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र बाईपास में रतारा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी क्रमांक MP17SA9565 को ठोकर मार दी जिससे स्कूटी सवार एक युवक युवा युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि ठोकर मारने के बाद तेज रफ्तार ट्रक कुछ दूर तक स्कूटी को घसीटते हुए ले गया जिससे स्कूटी में आग लग गई। वहीं ट्रक में फंसे होने के कारण ट्रक भी आग की लपटों में आ गया जबकि ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। इस घटना की जानकारी के बाद बाईपास के दोनों ओर जहां लंबा जाम लग गया वहीं CSP सच्चिदानंद प्रसाद, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह व यातायात सुबेदार दिलीप तिवारी ने सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे और जाम को खुलवाया जबकि सिटी कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा अपने वाहन से शव को संजय गांधी चिकित्सालय परीक्षण के लिए भिजवा दिया। वहीं इस आगजनी की घटना की जानकारी के बाद अग्निशामक दल मौके पर पहुंच ट्रक की आग को बुझा रहा है जबकि घटनास्थल पर मृतक के कॉपी किताब भी मिली। प्रस्तुत है झलकी सहित प्रत्यक्षदर्शी व सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह से जानकारी के अंश। ये लड़का बिटिया चले जात रहे एक आईती का ही माने पश्चिम दिशा का आईती का ही अब पीछे ट्रक वाला आवा सीधे मारिस ठोकर से बिटिया वहाँ जाके गिरी और लड़का का फंसाए सीधे का कहा तो वहाँ तक ले चलेगा ट्रक से उतरा सीधे भाग ली दो आदमी के भागत हम देखन फिर क्या हुआ उसके बाद एक बाद में ही कहा कहावा था भाई स्थानीय आदमी सब इकट्ठा हो गए कूद के भाग गए के बाद में 100 नंबर का फोन लगावा का 100 नंबर फिर नहीं लाग एक बाद में फिर कोहू लगाई दूसरे कोहू का फिर एक बाद में पुलिस पुलिस कर्मचारी आए फिर कहा कहा था वह लड़के बिटिया के लहास को उठा के जीएम अस्पताल ले चले गए हैं ट्रक में आगे लगावत हम देखें नहीं है कैसन के लागी हम उन लड़के बिटिया के लिए खड़े रहें अब कौन मेस लागी हम जाए पर लाग ही आ गई बजरंग नगर के यहीं फोन में बात भाई तो उनकर पिताजी उठाएं तो बात कहेंगे हम बजरंग नगर के यहाँ स्कूटी में रहें या मोटरसाइकिल में रहें ठीक से हम देख नहीं पाए जैसे कि हम वह स्थान में रहें तो हमारे चकबकी बिल्कुल बध गए। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार शुक्ला, यहीं के रहने वाले, ग्राम पुराना पास है क्या है टोल प्लाजा से करीब 1 किलोमीटर आगे चुराहटा साइड में थाना विश्वविद्यालय लगता है वहाँ पर एक MP19 4110 ट्रक था, खाली ट्रक था जिसपे है कि दो बच्चे थे स्कूटी में, एक लड़का एक लड़की करीब 17-17 साल के होंगे। वो एकदम से स्कूटी सामने, चूँकि यहाँ पर कई जॉइंट है रोड में अप्रोच अगल बगल में कॉलोनियाँ हैं बस्ती हैं तो एकदम से रोड में आए होंगे, उसी समय वो ट्रक के नीचे आ गए जिसके कारण से दोनों की मृत्यु हो गई और स्कूटी ट्रक के नीचे फंस जाने से और उसके पेट्रोल निकला, पेट्रोल गाड़ी थी पेट्रोल निकला उसके कारण से ट्रक में तुरंत आग लग गई। तत्काल पहुँच सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड बुलाया जाकर आग बुझाई जा रही है और डेड बॉडी को हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। अभी मेरी जानकारी में तो नहीं है लेकिन हॉस्पिटल उसे गार्जियन पहुंच गए हैं, यहाँ पर आए थे रो रहे थे तो मैंने तत्काल उनको एक वाहन से
हॉस्पिटल भिजवा दिया है, एक लड़का है और एक लड़की है। नहीं, आग नहीं लगाई गई है, वो स्कूटी उसी समय जैसे एक्सीडेंट हुआ है तो आकर यहाँ आसपास जो समय आसपास मौजूद थे लोग उनसे जानकारी ली गई तो बताया कि तुरंत अपने आप लग गई थी वो आग। जैसे एक्सीडेंट चालक अभी नहीं मिला है, को लगता है कि डर के मारे वाहन छोड़कर भाग गया होगा, तो उसकी मिल जाएगा। 32वां सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज महिला थाना एवं यातायात थाना के द्वारा संयुक्त रूप से महिलाओं के साथ होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने, यातायात के नियमों की जानकारी देने एक वाहन रैली निकाली गई। साथ ही साथ कन्या घोघर स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता के भी आयोजन महिला थाना प्रभारी आराधना सिंह की उपस्थिति में किया गया। प्रस्तुत है एक झलकी सहित महिला थाना प्रभारी आराधना सिंह से जानकारी के अंश। बाइक रैली न्यूज चैनल से। कौन से? IND24। पेपर से क्या उद्देश्य और क्या चीज़? महिला थाना और यातायात के संयुक्त प्रयास से एक वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उद्देश्य था कि महिलाएं अपने आत्मसम्मान या कोई छेड़छाड़ की घटनाएं जहां होती है पुलिस को सूचित करें, किसी प्रकार की झिझक उनको नहीं होनी चाहिए। पुलिस ताकि एक सहयोगात्मक रवैया के साथ पुलिस पब्लिक के साथ काम कर सके। साथ ही यातायात जागरूकता रैली का भी प्रयोग किया गया, जिससे कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो सकें और यातायात नियमों के प्रति लोग जागरूक हो सके। चित्रकला कार्यक्रम कर लिया। हाँ, शासकीय कन्या घोघर स्कूल में आज चित्रकला का आयोजन किया गया था, जिसमें 20-25 छात्राओं ने भाग लिया। वहाँ के स्कूल प्रबंधन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। दक्षता परीक्षा में फेल हुए शिक्षकों को जारी हुआ नोटिस। शासकीय विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की दक्षता परीक्षा प्रशासन ने ली थी, जिसके बाद फेल हुए शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया, जबकि 70% से कम परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों को जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि शासकीय विद्यालयों में छात्रों के लगातार गिरते परीक्षा परिणाम के बाद प्रशासन द्वारा शिक्षकों की परीक्षा ली थी, जिसमें से फेल शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया, जबकि 24 जनवरी से ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रस्तुत है जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर RN पटेल से जानकारी के अंश। सर, अभी शिक्षकों की दक्षता परीक्षा ली गई थी, उसमें जो मतलब वो उस गाइडलाइन को पास नहीं कर पाए या पास नहीं हो पाए, उनके लिए क्या कार्रवाई हो? अभी जो परीक्षा हुई है उसमें जिनका परीक्षा परिणाम 50% से कम है उनको SCN जारी किए जाने के निर्देश हैं, और जिनका 70% से कम है उनको अभी प्रत्येक शनिवार को ट्रेनिंग होना है, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उसकी दक्षता में सुधार लाएं। तो सर, ये जिले भर से जितने जो पास हो गए हैं या फिर जो 70% से कम है उनको ट्रेनिंग देने के लिए क्या वो गाइडलाइन बनाई गई, कैसे आएंगे क्या? वो उन लोगों की ट्रेनिंग ऑनलाइन होनी है, जो शिक्षक माध्यमिक विद्यालय के हैं उनकी ट्रेनिंग डाइट द्वारा दी जा रही है, और जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के शिक्षक हैं उनकी ट्रेनिंग CT शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान BEd कॉलेज से दी जा रही है। सर, ये जो अभी मतलब फाइल हो चुके हैं या फिर वो सिस्टर को नहीं पा पाए हैं उनके लिए फिर अभी क्या कार्रवाई होगी आगे? नोटिस जारी हुई है उसमें क्या कार्रवाई होगी? अब नोटिस जारी करने के बाद उनका जो जवाब आएगा, जवाब वहाँ भेजा जाएगा, उस जवाब के अनुसार फिर आयुक्त महोदय। विगत दिवस स्थानीय मानस भवन में ऑल इंडिया हैंडलूम एक्सपो 2021 का भव्य शुभारंभ मानस मंडल के अध्यक्ष एवं समाज सेवी अनुपम तिवारी द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री अनुपम तिवारी ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी अवधारणा के संरक्षण हेतु आंदोलन चलाया था। आज हम सभी को हथकरघा जैसे उद्योगों का संरक्षण कर स्वदेशी कारीगरों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। इस दौरान प्रदर्शनी के संचालक इरफान भाई ने बताया कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के हथकरघा बुनकरों द्वारा प्रदर्शनी में स्वनिर्मित वस्त्र रखे गए हैं। प्रस्तुत है एक झलकी सहित जानकारी के अंतर्गत।
फिरमान भाई जी जी आइए। हाँ हाँ चलिए एक बार तो हो जाए। आइए हाँ सिंह साहब को तो दी जाए। अरे अरे हो मिश्रा जी है ना, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक मानस मेला हैंडलूम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में क्या क्या है? देखिए ये ऑल इंडिया हैंडलूम एक्सपो ये हर साल यहाँ हमारे यहाँ लगाते हैं और बड़े ही उचित दामों पर और किफ़ायती दामों पर ये पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से और तमाम राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से और इसके अलावा कई स्टेट से, एमपी छत्तीसगढ़ तो ये अपना रहता ही है, तो वहाँ तमाम से ये लाते हैं और बड़े अच्छे इनके यहाँ के सामान रहते हैं, कपड़े गर्म हैंडलूम गर्म कपड़े सामान्य कपड़े, तो ये इनका बहुत अच्छा वो है मानस भवन में ये लगाते हैं और हम सब की मानस मंडल के और तमाम लोगों की शुभकामनाएं हैं। ये जो हैंडलूम को और अपना जो स्वदेशी उद्योग है उसको बढ़ावा दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है और इस प्रकार से करना चाहिए कि जो अपने स्वदेशी उद्योग हैं उनको प्रशंसा और आगे बढ़ने की उनके संरक्षण और संवर्धन के जो प्रयास हैं वो होने चाहिए। भाई जी, आपकी प्रदर्शनी में कौन कौन से आइटम आए हुए हैं? इस बार यहाँ पर राजस्थान से हैंडलूम आया हुआ है, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर से आए हुए हैं। और हैंडलूम में कौन कौन से कपड़े हैं? हैंडलूम में बनारसी हैंडलूम, बनारसी साड़ियाँ हैं, कश्मीर की जो है शॉल वगैरह हैं, पश्मीना शॉल, लद्दाखी जो है कंबल, इसके बाद छत्तीसगढ़ की कोसा साड़ियाँ, जो एमपी मध्य प्रदेश का ट्रेडिशनल होता है, बनारस के जो बिल्कुल ट्रेडिशनल है, राजस्थान के सूट वगैरह और एमपी के बटिक प्रिंट बेडशीट सूट पीस वगैरह, जो जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ जो, और लगातार हम जो है 4 वर्षों से लगातार आयोजन कर रहे हैं। इरफान जी, इसमें कोई डिस्काउंट की भी है क्या? जी जी 20% चल रहा है इस पे जो है सेल पर जो है प्राइस रेट पर, और हम लोग स्वयं बनाते हैं स्वयं बेचते हैं, बहुत ही रीजनेबल। कितने बजे से कितने तक प्रदर्शनी खुलती है? ये सवेरे 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक जो है खुला रहेगा। हर साल यहाँ आयोजन करते हैं क्योंकि कस्टमरों की हर साल डिमांड रहती है कि आप आइए यहाँ, और हर साल कुछ नया लेकर आते हैं और इस बार भी जो है नई चीज़ लेकर आए। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। 26 जनवरी के मुख्य परेड की सलामी लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज। पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई नेताजी की जयंती। ट्रक ने स्कूटी सवार को मारी ठोकर, 2 की घटनास्थल पर हुई मौत, जबकि ट्रक में लगी आग से धू धू कर जला ट्रक। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।